आज की आयत नंबर तैतालीस फोर्टी थ्री आज हमने क्या सीखा बुनियादी तौर के ऊपर हमने जो सबसे अहम बात सीखी जो हमारे जमाने में आ, बहुत ज़्यादा अहम है समझना कि हुँ. ये कुरान ये आय मुबारक उस आय मुबारक की तशरीह कर रही है जिसमें ये फरमाया गया साहब इक्राम के लिए हजूर पे ईमान लाने वालों के लिए के अशिदालाकुफ़ार रहमाऊँ पैना तो हमें हम जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं उनके दिल से वो आपस में रहीम थे उनके दिल से अल्लाह ने गिल को दूर कर दिया था तो हम उनके नाम पर अपने दिलों में गिल पैदा करके कीना पैदा करके कीना क्या करके मुसलमानों के लिए मसाइल ना पैदा करें बल्कि उसकी पैरवी करें इस्लाम की और ये समझें कि जिस तरह से उन्होंने बावजूद मामूली इख्लाफा के दीन की सरबलंदी के लिए काम किया तो आज हमें भी अपने दिल में किसी के लिए कोई कीना या वो रखने के बजाय हमें दीन की सरबलंदी के लिए काम करना सुभान अल्लाह दूसरी चीज़ ये कि हम हिदायत के लिए टामक टूयाँ ना मारें कि कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए बल्कि ये समझें हिदायत सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल ने जो पैगाम दिया है और जिस तरह से हुजूर ने अमल करके बताया है वही हिदायत है अगर वो हम तक न पहुँचती तो हम कभी भी हिदायत नहीं पा सकते थे और आज भी हम उसको छोड़कर किसी दूसरे रास्ते को हिदायत के तौर पर इख्तियार नहीं कर सकते तो हमें उसी के ऊपर चलना है उसी के ऊपर वो करना है और उसमें अल्लाह तबारक की तौफीक को हर लम्हे अपने लिए तलब करते रहना है क्योंकि वो अगर हिदायत नहीं देगा नहीं। तो हमें हिदायत जो है वो नहीं मिल सकती और ये इतना बड़ा इनाम है कि उसके ऊपर रब्बिल आलमीन हमेशा अल्लाह तबारक की हमद करते रहना चाहिए सुभान अल्लाह अल्लाह और हिदायत मुस्तकिल मांगने की चीज़